हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अभी ना हम ना काफी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं मैं काफी जा रहे हैं मैं चलो आना लड्डू भी तैयार हो चुका है, मेरे पापा भी तैयार हो चुके हैं। नमस्ते प्रणाम नहीं करोगे? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते बोलना, मैं ना भूल गई। पापा तुम बोल दो। क्या भूल गई? क्या भूल गई तुम? सबसे पहले तो आप तो नमस्ते बोलना। चलो चलो शुरू करते हैं। चलो। हेलो बच्चों, मेरे पापा ना अंतो ना पेट्रोल पे ना खाना खिलाएंगे, पिज्जा बर्गर और दाल चावल भी और किंडर जाएगी। हेलो बच्चों, मेरे पापा तो मेरे लिए ना नई दिलाए लाए, ये देखो, और ना मैं ना तैयार भी हो चुकी हूँ इधर पे। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? हन्ना कहाँ जा रहे हैं हम? हन्ना देवांशी। हेलो तो भैया, मम्मी पापा का झगड़ा भी हो गया, ये तो होते रहता है। हाँ जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा होता है। आज हम पूरी फैमिली डिनर करने जा रहे हैं, है ना मम्मी? यस। आज ना मम्मी पापा का झगड़ा भी हो गया था। झगड़ा तो हमारा होता ही रहता है। हाँ, जब प्यार होता है तब झगड़ा भी होता है। हाँ, जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा भी होता है। यस यस, है ना दीवांशी? हाँ। यस दीवांशी, मम्मी पापा का झगड़ा क्यों हुआ? फिर मम्मी ने दो पिंक कलर की साड़ी ले पी। पिंक कलर की साड़ी ली पहनी? अरे यार, पता क्यों हुआ? क्योंकि रुद्रांश जूते नहीं लाया। अच्छा। और हमको ना पुलिस भी नहीं ले जाएगी। और अगर पुलिस आ गई तो? नहीं आएगी। तो हम पुलिस बन जाएंगे। हाँ। मेरे दोस्तों, देवांशी को देख के ना हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे देवांशी ना 5-6 साल जापान में घूम करके आ रखी हो। चॉपस्टिक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकड़ा था और रुद्रांश को भी सिखा रही थी। वाह भाई वाह, वाह दीदी वाह। हम सभी ने कहीं ना कहीं मेट्रो के अंदर बिस्किट, चॉकलेट, टॉफियां और नमकीन खा रखी है ना? छुप छुप करके खा रखी है, मानते हो ना? और आज सभी लोगों को ना मेट्रो के अंदर खाना खाते हुए देख करके एंजॉय करते हुए एक अलग सा एहसास हो रहा है। तो हम कौन सी जगह आ रखे हैं ये हम आपको बताएंगे। पहले जरा रास्ते की फीलिंग सुन लेते हैं और जरा मेट्रो को देख लेते हैं। दोस्तों, मेट्रो में लोगों को खाना खाते हुए देख कर ना ऐसा लग रहा है, मतलब अजीब सी घबराहट हो रही है कि मेट्रो चलेगी तो सारा खाना ना इधर उधर हो जाएगा। तो चलो हम भी आज एक्सपीरियंस ले लेते हैं मेट्रो में खाना खाने का। चलो, तो आई होप कि हमारा एक्सपीरियंस मस्त हो। ये मेट्रो नहीं है दोस्तों, ये रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट का नाम है द कोच। ये है 137 मेट्रो के पास, है ना, नोएडा। नोएडा में क्या है, नोएडा की नोएडा? नोएडा, नोएडा। Thank you.
दोस्तों मेट्रो में जो खाना है ना ये बहुत ज्यादा महंगा है, तो हमने ना तीन चीजें ऑर्डर कर रखी है। तो सबसे पहला है काला मोती गुच्छी पुलाव। गुच्छी पुलाव गुच्छी गुच्छी एक मशरूम होता है, बहुत महंगा है। मुझे लगा वो ब्रांड वाला गुच्छी ब्रांड नहीं बोलिए। और एक है स्मोकी दाल मखनी रास्ते के लिए, और एक है बटर नान। बटर नान और दो तंदूरी रोटी बच्चों के लिए, सभी खाएंगे मतलब। तो क्वांटिटी हम बाद में बताएंगे कि कितनी है। इन लोगों को एक घंटा हो गया ये ऑर्डर नहीं कर पा रहे। इसके अंदर कछुआ है ना। अरे ये तो बहुत ही कम है। बिरयानी आप लोग ना ये ले लो ठीक है। रुको 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 बिरयानी भी दो। कितना? मुझे भी चाहिए। अरे दिखना रुको 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 हुई? प्राइस के हिसाब से ना खाने की क्वांटिटी बहुत कम है। देखो दोस्तों ये चम्मच भी ना आधे ही घुस रहा है। हाँ देखा है ना ये दोनों, इनके मम्मी पापा भी है। ये रही गुच्छी गुच्छी इसकी बनी है गुच्छी। रख दे एक गुच्छी रख दे रुदू के लिए। ये है गुच्छी मशरूम। हाँ टेस्ट कैसा है? टेस्ट दिखाओ। टेस्ट अच्छा है। अच्छा है। मेरे हस्बैंड को ना गुच्छी खानी है। गुच्छी खाना ठीक हो रहा है? ठीक है। ये गुच्छी है गुच्छी गुच्छी ना सोने से भी ज्यादा महंगी है। टेस्टी है ना, प्रोटीन होता है इसमें। हेलो बच्चों, खाना तो बहुत अच्छा था। अभी ना यहाँ पे ना हम ना यहाँ पे आए हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अभी ना हम ना कहाँ जा रहे थे? लैंप पे। वहाँ पे ना बहुत सारे खाना है। हेलो बच्चों, खाना ना बहुत महंगा था, इसलिए ना हमने नोटों ना ओला कर दिया, इसलिए ना हम ना ट्रेन पे बैठे थे। क्या बोल रही हो यार? दे बात सुनो, मेरे बात मेरी बात सुनो। ऐसे कैमरा पकड़ा तो नीचे गिरेगा और उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, खाना बहुत अच्छा था, इसलिए ना वो ना महंगा था ना। क्या कर ले यार? देवांशी क्या बोल रही हो? सुनो मेरे बच्चे ना बहुत तंग कर रहे हैं दोस्तों, बहुत तंग। ये तो बहुत शांत है लेकिन वो देखो। दोस्तों हम लोग खाना खा के आ चुके हैं, खाना बहुत टेस्टी था, यमी था। लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट में ना जो बड़े महंगे होते हैं, यहाँ पर लोग टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, दोस्त लोग चिल करने के लिए आते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करने के लिए आते हैं। तो अगर आपको भूख लगी हो ना बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर आपकी जेब खाली होने वाली है। द कोच ही था ना नाम? हाँ, द कोच रेस्टोरेंट, जो कि मेट्रो जैसा है, तो बहुत महंगा था यहाँ पर। तो जेब खाली हो गई, लेकिन हम लोग ऐसे मस्ती करते रहते हैं।
ना, क्योंकि हम लोग ब्लॉग भी बनाते हैं, आपको बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ना, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो आप लोग भी जाइए, मस्ती करिए, है ना, जो जा सकता है वो बिल्कुल जाइए, थोड़ा नया एक्सपीरियंस होगा, मज़ा आएगा। जहाँ खाना महंगा होता है ना, वहाँ पर इनको ज़्यादा भूख लगती है। तो मेट्रो आ चुकी है हमारी। हेलो बच्चों, अभी ना हम ना घर पे पहुँच चुके हैं, अभी ना हम ना घर पे पहुँच चुके हैं। महंगा था खाना और ना हमने ना खा लिया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ऐसा तो कभी कभी होता है। और ना बहुत टेस्टी था खाना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और पैसे कहाँ से आए? मेरे पापा ने मेरे लिए ना जेब लाई है। तू खाना महंगा था? हाँ, लेकिन अच्छा भी तो था। यस, कभी कभी चलता है ना। खत्म। छाड़ा खा लिया। ओ मेरे पापा, तुमने छाड़ा खा लिया। ये इतनी सी गुडली है ना, लेकिन पूरी मेट्रो इसने हिला दी थी। और जहां हम गए थे ना, वहां का मैं टूर भी नहीं कर पाया, बिल्कुल मेट्रो जैसा था वो, है ना। दोस्तों, ये था हमारा आज का सिंपल सा ब्लॉग। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे।